हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पराग टेलर पर। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 32 साइज का ब्लाउज है जिसका हमारे पास ऑर्डर है, तो ऑर्डर के हिसाब से हम इसी कटिंग करके भी देते हैं। और हमारा जो बैग है ना, 32 साइज का कंप्लीट पहले से ही कटिंग किया हुआ, इसी को हम यूज करके मद्रास कट ब्लाउज का फर्मा बनाने वाले हैं। तो मद्रास कट ब्लाउज का फर्मा बना करके हम तैयार करके देते हैं। अगर किसी को भी मद्रास कट ब्लाउज चाहिए होगा तो हमारी बेस्ट सीट आती है कार्ट सीट, उसके ऊपर हम तैयार करते हैं। उससे पहले हमको ऐसे ब्राउन सीट पर इसको कंप्लीट करना होता है। तो चलिए फटाफट से अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं इसका मेजरमेंट। ब्लाउज की लंबाई 13.5, अपर फुल चेस्ट 32 इंच मतलब 32, अपर चेस्ट 30, कमर वेस्ट 26, शोल्डर 14, आर्म होल 16, बस्ट पॉइंट रहेगा इसका 9.50, बैग नेक इसका है 8 और फ्रंट नेक है 6, लेकिन इसका हम आर्म होल 15.50 रखेंगे। और इसकी जो ब्लाउज की लंबाई है हमने 13.50 रखी हुई है। ऐसे ही हम इसका शोल्डर है, शोल्डर हम इसका 13.50 यानी 13.5 इंच का कटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्योंकि कस्टमर का मेजरमेंट था तो उससे थोड़ा सा हमको जो लगा हमने कम कर लिया। अब हम मद्रास कट कटिंग करेंगे तो इस बेल्ट का इस्तेमाल नहीं होगा मद्रास कट के अंदर, क्योंकि मद्रास कट थोड़ा ऐसे राउंड में रहता है ना, तो वो उसके हिसाब से कटिंग होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना। बहुत फास्ट कटिंग बताऊंगा, 10 से 15 मिनट बने रहिएगा लाइव पर। 10-15 मिनट, कहीं आप ऐसे मत करना कि आप लाइव को छोड़ छोड़ के जा रहे, मतलब लाइव को छोड़ छोड़ के जा रहे। जैसे कटिंग चालू होगी, फ्रंट की कटिंग आपको 10 मिनट के अंदर अंदर बता दूंगा और बहुत आसान तरीका रहेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और इसका हम इस्तेमाल करेंगे साइट में मेजरमेंट के लिए। तो मद्रास कट की ब्लाउज की कटिंग करेंगे, चलिए जल्दी जल्दी। यहाँ पर हम ब्लाउज की लंबाई हमारे पास 13.5, ये देखिए ऐसे देखेंगे, ये है 13.5 इंच। इसके अंदर हमको 1 और 1-2 इंच बढ़ाना है फ्रंट कटिंग के लिए। तो हमने कितना रखा है इसको, 15.5 इंच। तो यहाँ पर ये शोल्डर स्लोप, इसके बाद में लंबाई का निशान, ये हो गया दोस्तों। अभी यहाँ पर सामने हुकाई की पट्टी है तो उसके लिए 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन देना है। और बहुत ही आराम से आपको कटिंग देखने को मिल रही है। इस कटिंग को आपने 8-10 बार कभी कर लिया तो आप हर साइज का ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं इसकी बस्ट पॉइंट की लंबाई 9.5 इंच रख रहा हूँ। ठीक है, ये रखा मैंने यहाँ से 9.5 पर एक मार्क लगाया, यहाँ पर आएगी बस्ट पॉइंट की लंबाई। अभी देखिए दोस्तों, हमारा 32 चेस्ट है, इसका 1/4 आएगा हमारा 8 इंच। तो 8 इंच का हमारा बैक कटिंग होगा और 9 इंच का हमारा फ्रंट कटिंग होगा। और ये होगा हमारा मद्रास कट यानी 3 डॉट वाला। ऐसे करते हैं इसको, ऐसे यहाँ पर और ऐसे घूमता है ये, और 1 डॉट यहाँ, 1 डॉट यहाँ और 1 यहाँ पर। ठीक है, अब इसका गला है सामने का 6 इंच का और पीछे का गला है इसका 8 से 9 इंच का। ठीक है, तो इसके लिए कटिंग आपको कैसी करना है, पहले तो आपने समझ लिया 9 इंच का फ्रंट और बैग 8 इंच का यहाँ पर कटिंग होगा। सभी लोग लाइव पर है, लाइक करते जाइए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत जल्दी जल्दी वीडियो कर रहा हूँ आज मैं, और इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अर्जेंट देना था मुझे भी, और मैंने भी सोचा कि क्यों ना अर्जेंट देना है फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। और ऐसे ही मैं पेपर पैटर्न बना करके देता हूँ, कस्टमर के मेजरमेंट के भी बन जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर से अब हम क्या देखेंगे, हमने पहले ही लाइव में बताया था। अगर आपने हमारी पिछली लाइव नहीं देखा है तो लाइव सेशन में चले जाइए, आपको सारी लाइव में अलग अलग डिजाइन, अलग अलग बटन और अलग अलग साइज में हमारे ब्लाउज कटिंग देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप पराग टेलर सर्च करें, एक ऑप्शन आएगा आपका होम, दूसरा आएगा वीडियो, तीसरा आएगा आपके पास शॉर्ट और चौथा आएगा लाइव। जैसे ही लाइव पर आप टच करेंगे तो आपको हमारे सारे लाइव वीडियो मिल जाएंगे जिनको देख करके आप कटिंग को सीख सकते हैं। चलिए हो गया, यहाँ पर अब मैं रखूँगा 9 इंच जो हमारा फ्रंट है। अब छोटी साइज है 28, 30, 32, तो यहाँ पर मात्र 0.25 कम करना है आपको, ध्यान रखना। और यहाँ पर देखेंगे हम तो 2 इंच में 0.5 पॉइंट कम है, तो मैं ऐसे घुमाऊँगा यहाँ पर 2 इंच में 0.5 पॉइंट कम पर रख लूँगा। ये जो शोल्डर स्लोप का निशान है यहाँ रखना है, आपका आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट उतर जाएगा। आर्म होल हमको चाहिए 15.5, 15.5 का आधा होता है 0.75 इंच मतलब 15.50,
उसको हम हाफ करेंगे तो 7.75 आएगा। क्लियर, 7.75 पर मार्क, इस मार्क को सीधा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान, सरल और बेस्ट कटिंग है, आप इसको सीख लीजिए। आप हर साइज का ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग यहाँ पर सीख सकते हैं, और आज लाइव में शायद शाम में स्टिचिंग का वीडियो आएगा तो उसको तो देख लेना, बहुत ही काम का रहेगा। ये जहाँ पर जितना आया उसको नीचे लिया मैंने, यहाँ पर मार्क लगाया, उससे 1.25 अंदर एक मार्क लगाया क्योंकि फ्रंट कटिंग करेंगे तो 1.25 अंदर कर लेंगे जो भी हमारे पास आएगा। अभी ये हो गया हमारा यहाँ तक का मार्क। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मद्रास कट कटिंग कर रहा हूँ तो मैं 3.2 आएगा दसवां भाग फ्रंट को, तो मैं उससे थोड़ा सा 1 पॉइंट ज़्यादा रखूँगा। छोटी साइज में 1-1 पॉइंट आगे पीछे कर लेना चाहिए तो उससे शेप अच्छा दिखता है। अभी ये हो गया दोस्तों, अब यहाँ पर हमको मद्रास कट कटिंग कर रहे हैं 32 साइज का, तो हमारा वैसे तो 12वां भाग निकालना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पर 2.75 इंच रख लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और 12वां भाग कैसे निकालते हैं रात की लाइव में आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। ऐसे निकालेंगे हम ये मार्क, पहले मैंने ये मार्क नहीं लगाया था, अब मैं ये मार्क अर्जेंट में लगा रहा हूँ क्योंकि हम मद्रास कट की कटिंग कर रहे हैं। अभी ये यहाँ पर जितना है उतना ही नीचे रख लेना है, सेम टू सेम। अभी इसको मैं यहाँ से मार्क लगाऊंगा ऐसे, और इसको मुझे नीचे तक कट करना है क्योंकि मैं डॉट को कट करने के बाद यहाँ से कमर का शेप निकालूंगा। अभी मैं यहाँ मेजरमेंट करूँगा 9 इंच, ये हो गया मेरा 9। यहाँ पर निशान लगाऊंगा 9 इंच पर, यहाँ पर भी निशान लगाऊँ नीचे 9 इंच पर। अभी दोस्तों देखिए, जो भी हमारा ब्लाउज बनता है ना, अपर चेस्ट, फुल चेस्ट और कमर, तीनों के बीच में जो भी डिफरेंस आता है वो हमारा डॉट होता है। डॉट के लिए कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं लगाना पड़ता कि किस साइज में कितना रखेंगे, जितना डॉट निकलना होगा वो ऑटोमेटिक निकलेगा। अब ये हमारा बॉक्स बन गया है, क्लियर है। तो अभी हम मद्रास कट कटिंग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई डॉट साइड में नहीं देंगे। हमको डॉट कितने देना है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 3 डॉट है। इसी के कारण मद्रास कट में यहाँ पर 1 इंच का डॉट लगने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लगाऊंगा मार्क, ऐसे कर सीधा लगा लिया मैंने, 1 इंच में यहाँ पर मार्क लगा दूंगा, ये मेरा डॉट हो गया। आर्म होल डॉट भी बोलते हैं इसको, आप ऐसे भी लिख कर रख सकते हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाऊंगा ऐसे, ये हो गया मेरा डॉट, ठीक है। अब मैं इसको मेजरमेंट करता हूँ यहाँ पर ऐसे रखकर, तो ये आ गया मेरा 1.50 में, आधा सेंटीमीटर कम, मतलब यहाँ तक डॉट हमारा लग जाएगा, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आ गया, ये 1 इंच का डॉट। अभी एक डॉट हम यहाँ पे 0.75 का देंगे। वैसे ब्लाउज के अंदर एक डॉट ये और एक डॉट ये मेन डॉट है। ये जो डॉट रहता है गला, हम जो चौड़ाई कम करते हैं ना उसके लिए रहता है, ठीक है। तो मैं इसको लगाऊंगा 0.75, क्योंकि 8, 9, 10 इंच में से कोई गला है मेरा एक, तो मैं यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। इस डॉट को भी हमको क्या करना है, यहाँ से कम 0.75 अंदर लगाना है छोटी साइज में, ठीक है। बड़ी साइज रहेगी तो फिर हमारा अलग मेथड चलता है, लेकिन ये छोटी साइज मतलब 28, 30 और 32, ये छोटी साइज आती, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, नीचे ये जो डॉट है हमारा, कम से कम 0.5 इंच नीचे एक मार्क लगाना है, याद रखना। ये ऊपर तक नहीं लगता है कभी भी, 0.5 इंच नीचे तक ये डॉट ख़त्म हो जाता है। अब हम देखेंगे नीचे हमको कितना डॉट देना है। यहाँ पर देखिए 9 है, हमारी कमर है 26 अगर है तो 6.5 यहाँ पर मार्क। और ये देखिए जितना हमारे पास बचा वो डॉट, तो यहाँ से 1.25 इंच का इधर डॉट और 1.25 इंच का इधर डॉट, इस डॉट को मैं मिला दूंगा यहाँ पर। और दोस्तों देखिए, जितने भी लोग लाइव पर नए नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि उन्हीं के पास नोटिफिकेशन आएगी हमारे लाइव वीडियो की जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब ये 2.75 में यहाँ रखूँगा, और देखिए निशान कहाँ आया, यहाँ पर। अब ये 2.75 में यहाँ रखूँगा, देखिए निशान कहाँ पर आया, यहाँ पर। ये मेरा कटिंग होगा बेल्ट मद्रास कट का। अब ये ब्लाउज़ की लंबाई ज़्यादा है, यानी 13.5 इंच है। अब किसी को अगर हमारे पेपर पैटर्न खरीदे है तो भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर ये जैसे ब्लाउज की लंबाई कितनी है, 14.5 इंच। अगर आपको ब्लाउज की लंबाई 13 इंच चाहिए तो क्या करेंगे, जैसे 14.5 है, 1 इंच सिलाई दबाव का है, तो ये 13.5 आ रही है।
13 चाहिए तो नीचे से आधा इंच लंबाई कम करेंगे, अगर आपको 12.5 चाहिए तो नीचे से और आधा इंच कम करेंगे, यानी 1 इंच कम हो जाएगा। और दोस्तों समझ गए ना आप, 12.5 अगर लंबाई चाहिए तो 13.5 रखकर कटिंग करना है, फ्रंट का उसी हिसाब से कटिंग होगा, ठीक है। तो कोई टेंशन मत लीजिए, अगर आपने पेपर पैटर्न लगाया है तो अगर छोटी साइज है तो उसमें आप 12.5 इंच तक लंबाई बना सकते हैं, मतलब छोटी भी कर सकते हैं और बड़ी करना चाहो तो नीचे बढ़ा भी सकते हैं। तो ऐसे पेपर पैटर्न है हमारे, आप हमारा ये व्हाट्सअप नंबर चल रहा है इस पर से देख करके मंगा सकते हैं। अभी क्या बात है, चलिए वहाँ तो ख़त्म हो गई बात, अपन यहाँ रखेंगे ऐसे, इसको सीधा लगा देंगे यहाँ पर। अभी देखिए इसका भी एक सिस्टम है, यहाँ पर से आप ऐसे रखेंगे, जो भी आपके पास आएगा मोड़ेंगे और आधा जहाँ आ रहा वहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट निशान लगा दिए इसके लिए, क्योंकि हमको हैबिट में है तो हमने डायरेक्ट लगा दिया, लेकिन अगर आप लोग लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे जैसे मैंने बताया। ये हो गया, अभी सामने की तरफ हमको बराबर यहाँ पर रखना है, ऐसे ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पर मार्क, जैसे ही यहाँ मार्क लगेगा तो आपका यहाँ पर सामने का बेल्ट कटिंग हो जाएगा। अब मैंने हमेशा जैसे बताया है, यहाँ पर आपको आधा इंच का ये लॉक लगाना है, लॉक बहुत ज़रूरी है, लॉक लगाने से आपका ब्लाउज बहुत ही फिनिशिंग में आएगा। ये हमारा लॉक है, इसको हटा देंगे। अब आपको क्या करना है, ये है हमारा बेल्ट और ये है, इतना चौड़ा इसका बेल्ट आ रहा है। अगर आपको बेल्ट ज़्यादा लग रहा है, कम करना है तो थोड़ा सीधा भी कर सकते हैं, और कम लग रहा है तो इसको थोड़ा तिरछा भी कर सकते हैं, मतलब आप अपने हिसाब से ब्लाउज को बना सकते हैं। अगर आपके ब्लाउज का कस्टमर का बस्ट पॉइंट यहाँ पर, जैसे मैंने 9.5 पर रखा है, अगर आपका 10 आ रहा तो 10 रख कर इसको नीचे ले जाएंगे, अगर आपके कस्टमर का बस्ट पॉइंट 10.5 आ रहा तो ऐसे रख कर आप नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो बस्ट पॉइंट या तो अपन मेथड से निकालते हैं, तो मेथड से निकालने में जैसे दे रहता है ना, 28 अगर है तो उसका 1/4 आता है 7, उसके अंदर आप प्लस कितना करेंगे 2 पॉइंट, यानी 2 इंच, तो ये होगा 9। ऐसे ही आपका 30 इंच है, 30 इंच का 1/4 आता है 7.50, उसके अंदर आप प्लस करेंगे 2 इंच, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9.50। और अगर आपका 32 है तो भी आप क्या करेंगे, इसके अंदर 32 का 1/4 आता है 8 में 1.5 इंच प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.5, और ये 30 वाला होगा हमारा 9 इंच का, ठीक है। तो ऐसे कर कर भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप कस्टमर का मेजरमेंट कर लीजिए, उससे भी निकलता है। लेकिन छोटी साइज में बस्ट पॉइंट में आपको 2 इंच प्लस करना पड़ता है, 34 के बाद में 1-1 इंच प्लस करके कटिंग हो जाती है, क्लियर है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जैसे हम बताते हैं ना, चेस्ट कितना है 39 का 1/4 कितना है 9.75, क्लियर। अब इसमें आप 1 इंच प्लस कर दिए तो कितना हो गया, ये हो गया 10.75, ऐसे बताते हैं। फिर हमको कई कस्टमर बोलते भाई 28 रहेगा तो क्या करेंगे, 26 रहेगा तो क्या करेंगे। इसके लिए मैंने आपको अभी डाउट क्लियर कर दिया, और जो जो लाइव पर आएगा 100% उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे। 7 दिन लगातार अगर आप लाइव देखेंगे उसके बाद 100% आप इस कटिंग को ही करेंगे, दूसरी कटिंग नहीं करने वाले, मेरे को 100% विश्वास है, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि पुरानी कटिंग को हमने 28 साल करने के बाद में हमने छोड़ दिया, क्योंकि उसके अंदर बहुत डाउट है, डाउट में कैसे कटिंग करेंगे, उसके लिए हमने न्यू कटिंग तैयार की। अब देखिए आपको बहुत सारे निशान दिख रहे हैं, तो पहले मैं निशान कम कर लेता हूँ। वैसे तो आपको बता दूँ, जैसे जो जो लोग रोज़ देखते हैं ना, उनको मालूम है कि ये फटाफट यहाँ से डॉट बंद होगा, ये नीचे आएगा और अपना काम हो जाएगा बराबर, ठीक है। तो चलिए पहले मैं ये निशान कम कर देता हूँ। ये हो गया, अभी मैं क्या करूँगा, ये वाला जैसे मैंने बताया था ना, डॉट को बंद करने के बाद यहाँ जाना पड़ता है। अगर आपको मद्रास कट कटिंग कर रहे हैं, 4 डॉट कटिंग कर रहे हैं, तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं। देखिए जो जो लोग रेगुलर देखें, थैंक यू जी, जो जो लोग रेगुलर देखेंगे ना, उनको 100% इस कटिंग को कटिंग करने में मज़ा आएगा और कटिंग अच्छी भी लगेगी, सब बात का इस पर सुविधा है। ये मैंने उठाकर यहाँ पर कट मार दिया। अभी देखिए दोस्तों, मैंने इस निशान को भी यहाँ से तिरछा ही कर दिया, इसको बंद करूँगा तो ये सीधा हो जाएगा। मैंने यहाँ का कट आज नहीं मारा है, ठीक है, फिर भी आपको कटिंग बता रहा हूँ। तो आप ऐसे ही करके, जैसे ये 4 डॉट है हमारा, ऐसे लेंगे यहाँ पर। देखिए कई बार मैं इसलिए ऐसे करता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, और आप लोग कभी भी ये ना सोचें कि हमने ये नहीं करा था तो ये नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं हुआ। तो मैं देखिए आज नीचे वाला कट नहीं मार रहा हूँ, उसके बाद में इसको आपको जमा के दिखा रहा हूँ। ये रखा मैंने, ये हमारा डॉट फाइनल हो गया।
आर्म होल डॉट हमारा यहाँ लग गया। जैसे ही डॉट आएगा ऑटोमेटिक फुलाना जाएगा। अब देखिए क्या प्रॉब्लम आती है, हमने एक इंच का डॉट दिया, किसी को ऐसा लगता है अब इधर कितना ले जाऊँ मैं, तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा एक इंच है, जितना हमने डॉट दिया है उतना अपने को नीचे चले जाना है ऑटोमेटिक। देखिए यहाँ से मैं आर्म होल की गोलाई बनाता हूँ ऐसे कर कर, और दोस्तों 100% मैं गारंटी देता हूँ, अगर रेगुलर 7 दिन देख लेंगे तो उसके बाद जो भी कटिंग आप करना चाहेंगे आप कर सकते हैं अपने घर बैठे, ठीक है। और जिसको हमारी पेपर कटिंग मंगाना है तो पेपर कटिंग मंगवा सकता है, व्हाट्सअप नंबर देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, उस पर व्हाट्सअप करके आप मंगा सकते हैं। अभी देखिए आपको अगर ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा नीचे उतारना है, कस्टमर के ऊपर रहता है वो, थोड़ा सा नीचे उतारना है तो इसको थोड़ा सा नीचे उतार के भी कट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके पास खुले रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करिए। इसको मिलाएंगे हर बार की तरह, हमारा वही न्याय है, इसको यहाँ रखा मैंने, अभी इसको क्या करते हैं अपन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये ज़्यादा लंबा है तो हम नीचे से निकाल देंगे इसको ऐसे कर कर, ये मैंने निशान लगाया और इसको कट कर दूंगा तो हमारा ब्लाउज साइड से सीधा हो जाएगा, क्लियर। और देखिए यहाँ पर ये निशान है हमारा, अब इससे एक पॉइंट अंदर, और यहाँ पर ये निशान है इससे एक पॉइंट अंदर, हमको ऐसे मार्क लगा लेना है, ये हो गया। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पेपर पैटर्न तैयार होगा, तो वीडियो पूरा देख लेना, आप भी सीख जाएंगे पेपर पैटर्न कैसे बनाया जाता है। और जिसको भी हमारा पेपर पैटर्न बुलाना होगा, बेहतरीन कार्ड शीट 350 GSM पर है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके उसको बुलवा सकते हैं, ठीक है ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको कट कर देता हूँ साइड में, ये देखिए बड़े आराम से आपका साइड पार्ट कटिंग हो जाएगा। यहाँ पर से देखिए मैं ऐसे घूम जाऊँगा ऐसे, अभी देखिए हम इस लॉक को मेंटेन करेंगे यहाँ से ऐसे, जितना ये लॉक हमने यहाँ मेंटेन किया, इस भाग को भी थोड़ा सा तिरछा कर सकते चाहो तो, ऐसे कर कर देखिए यहाँ पर ये कर दिया मैंने ऐसे। अभी हम इस बेल्ट को पैक कर देंगे, रात की लाइव में स्टिचिंग बता सकता हूँ आज मैं, जो भी हमने ब्लाउज कटिंग किए हैं मद्रास कट या फिर राउंड बेल्ट कोई सा भी, अपन इसमें से स्टिचिंग बताएंगे आपको, ठीक है। अभी देखिए मैंने ये कटिंग कर लिया, ये बेल्ट मेरा यहाँ लग जाएगा, ये जो निशान है बीच का इसको भरना पड़ता है मार्जिन देने से पहले, तो कैसे भरते हैं वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम जब मार्जिन देते हैं डायरेक्ट देते हैं ना तो वो कई लोगों को समझ में नहीं आती है, तो मैं यहाँ पर से पहले इसको ऐसे रख लूँगा, ये मैंने पैक कर दिया। अभी देखिए ये जो निशान है यहाँ पर इतना गड्ढा है, यहाँ से 0.25 ऊपर ले आइए यानी 0.25 इंच, और इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको इधर मिला दीजिए, तो आपका ये देखिए परफेक्ट बन जाएगा। और मैं इसका आप क्या कटिंग करूँगा, फर्मा कटिंग करूँगा, मैं कस्टमर को कैसे भिजवाता हूँ वो भी आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं इस डॉट को उठा करके पहले लगा के देखूँगा, क्योंकि हम कस्टमर को जब पहुँचाते हैं ना तो अपने को ये भी ध्यान देना पड़ता है कि कस्टमर को इसके अंदर से कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ये रखा मैंने यहाँ पर, तो देखिए ये एकदम स्ट्रेट आ गया, ठीक है। अगर ये ज़रा भी इधर उधर रहेगा तो हमको इसको मेकअप करना रहेगा, तो चलिए ये तो बिल्कुल पैक आ गया। अब मैं इसको देखिए यहाँ से कट कर दूंगा, डॉट की लंबाई, बस्ट पॉइंट की लंबाई आप अपने कस्टमर के हिसाब से भी कम ज़्यादा रख सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती है उसमें। इसको यहाँ रखूँगा मैं, जितना हमारा शोल्डर की पट्टी रखना है बैक की उतना रख लिया मैंने, और क्योंकि हमने पेपर पैटर्न सभी दिया है इनको, मतलब सभी साइज का, ठीक है, यानी मद्रास कट, प्रिंस कट, बोट नेक, कॉलर वाला सभी दिया है, तो उनके पास ये था कि मैं मद्रास कट और राउंड बेल्ट हमारे पास कटिंग करा हुआ तैयार नहीं था उनकी साइज का, तो हमने उनकी साइज का मद्रास कट कटिंग कर दिया, और एक हमने ये मद्रास कट और दूसरा पहले हमने थोड़ी देर पहले लाइव की थी तो उस पर हमने राउंड बेल्ट कटिंग किया 32 साइज में, तो 32 साइज का कोई भी ब्लाउज आप कटिंग कर सकते हैं। अब इससे हम करेंगे पेपर पैटर्न की तैयारी,
कैसे होता है पेपर पैटर्न हमारा तैयार। देखो दोस्तों, ये हमारी 350 GSM सीट है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि भाई आप लोग पहली लाइव पर थे, अभी है या नहीं है, और दूसरे लोग नए आए होंगे, तो हमारा काम है कि हम हर लाइव में पूरी जानकारी देते हैं। अभी मैं इसको यहाँ रखूँगा ऐसे मिला करके, दिख रहा आपको बराबर ऐसे। अब मैं इसका निशान लगाऊंगा, ठीक है। तो देखिए कितना बढ़िया आपका मद्रास कट ब्लाउज कटिंग हो जाएगा, और जो भी इस पैटर्न को बुलाना चाहेगा बुला सकता है। ये आ गया अपना 3 डॉट वाला। अब मैं इस डॉटों को कंप्लीट करूंगा थोड़ा सा, मतलब कस्टमर को हमको पहुंचाना है ना, तो फिर वो ज़रा सुंदर भी लगना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि कुछ भी पहुंचा देंगे हम, कागज़ उठाएंगे उसके ऊपर ना मार्किंग ना कुछ, हाथ से मार्किंग खुद मास्टर होके बना के दे रहे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे से जो पेपर पैटर्न ले रहा है वो पहले ही बिगनर से, मतलब नया है। अब नया इंसान कैसे क्या इसको सबको मेंटेन करेगा, ठीक है। तो देखिए, अब मैं इस पर सिलाई मार्जिन लगा के इनको दे देता हूँ। ये है मेरी सिलाई मार्जिन 1/2 इंच की, पिछले वाले मैंने थोड़ी अलग टाइप बताई थी, अभी अलग बता रहा हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पर देखिए सिलाई मार्जिन है मेरी। अभी दोस्तों कितना बढ़िया पैटर्न लग रहा है ये देखिए खुद ही। आप भी इसी तरीके से पेपर पैटर्न बनाइए, और जो भी अपने कस्टमर का ब्लाउज बनाता है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कस्टमर के ब्लाउज को एकदम फिनिशिंग से बना के दीजिए। कि मार्क थोड़ा सा तिरछा लग गया, मैं इसको फिर भी सीधा कर रहा हूँ ऐसे। और दोस्तों ऐसे ही मैं पेपर पैटर्न मेरे तैयार करवा रहा हूँ। और जो देखा है आपने लेमिनेशन वाले हैं अपने, तो लेमिनेशन वाले भी कोई भी बुला सकता है, बहुत ही अच्छे पेपर पैटर्न है, अपने वर्ल्ड के बेस्ट पैटर्न है मेरे हिसाब से तो। और दोस्तों देखिए इसी तरीके से, देखिए समय लग रहा है ना, अभी कई लोग बोलते हैं अरे आप तो 300 रुपये ले रहे हैं एक पैटर्न के हमारे से, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें समय कितना लग रहा है। इतनी देर में तो मैं किसी का 500 रुपये का ब्लाउज एक सिलाई करके दे सकता हूँ, ठीक है कि नहीं। तो आप लोग क्यों है? मैंने ये काम शुरू किया है ये वाला, क्योंकि कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी कि कस्टमर के तो पेपर पैटर्न मिल जाते हैं लेकिन खुद का नहीं मिलता है, तो उनका क्या करेंगे। और हमारी ऑनलाइन क्लास भी बहुत जल्दी चालू होने वाली है, तो उससे पहले मुझे क्या करना था, ऑफलाइन क्लास में काम सिखाना था। ये हो गया, अब मैं यहाँ लिख दूंगा मद्रास कट 32 साइज कंप्लीट। अब ये पैटर्न कहीं पर भी आप फेंक देंगे तो भी ये घूमने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हमने लिख दिया है कि मद्रास कट का ये पैटर्न है। और दोस्तों देखिए बहुत ही आसानी से हमारा बेल्ट भी कटिंग हो जाता है। अभी इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस तरफ सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, मैं क्या करूँगा नीचे से ऐसे 1/2 इंच ऊपर रख लूँगा, ऑटोमेटिक मेरे ऊपर सिलाई मार्जिन आ जाएगी। चीज मंगाई है, ठीक है। तो इनको कैसे है, इसमें मेकअप होता है जैसा बैक और आस्तीन हमने एक एक दे दी, फ्रंट सभी के दे दिए, तो इनका देखिए सभी का पैकेट मात्र 1100 रुपये में इनको मिल गया। और सभी चीज़ें उसमें, मद्रास कट है, बोट नेक है, कॉलर है, 3 पीस प्रिंसेस कट, नॉर्मल प्रिंसेस कट, कटोरी वाला, और उसमें एक ही चीज़ है कि एक आस्तीन और एक बैग, एक आस्तीन और एक बैग। अब ये देखिए ये जो बेल्ट है मद्रास कट का है, और ये जो बेल्ट है मेरा कटोरी वाला है, तो इनमें देखिए दोनों में थोड़ा फर्क आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इनको मद्रास कट के लिए बेल्ट अलग कटिंग करके दे दिया, ठीक है, ताकि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अपन ने इनसे पेमेंट लिया है, मतलब उसका पूरा उनको लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों कैसे लगा हमारा लाइव, अच्छा लगा कि नहीं लगा ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना, चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब भी करना।